ललितपुर में जीआरपी का अमानवीय चेहरा उस वक्त लोगों के सामने आया जब रेलवे पुलिस ने एक पिता से ही उसके 3 वर्षीय मासूम पुत्र का शव उठाने को कहा। यह परिवार बिलासपुर से अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में सवार होकर मजदूरी करने जा रहा था, तभी ललितपुर के पास मजदूर के 3 वर्षीय मासूम पुत्र की हालत बिगड़ने लगी, इसलिए पूरा परिवार ललितपुर स्टेशन पर ही उतर गया। जीआरपी को सूचना दी गई। रेलवे अस्पताल से आए डॉक्टर ने बालक को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों की तो जैसे संवेदनाएं ही खत्म हो गईं। अपने इकलौते बेटे को खो देने का दर्द परिजन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, पूरा परिवार शोक में डूब गया था। इसी बीच पुलिसकर्मी ने पिता से ही मासूम का शव अपने हाथों में उठाकर 3 नंबर प्लेटफॉर्म से 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर लाने को कहा। शव को ले जाने के लिए कोई भी स्ट्रेचर या व्हीलचेयर की व्यवस्था रेलवे द्वारा नहीं की गई। मजबूर पिता बच्चे का शव अपनी गोद में लेकर 3 नंबर प्लेटफॉर्म से 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, जहां पिता से शव को जमीन पर रख देने के लिए बोला गया, लेकिन अपने जिगर के टुकड़े का शव पिता जमीन पर रखने को तैयार नहीं था। वह अपने बेटे का शव अपनी गोद में ही लेकर जमीन पर बैठ गया, लेकिन इकलौते बेटे को खो देने का दुख क्या होता है, यह बात ललितपुर जीआरपी पुलिस को समझ नहीं आई। ट्रेन में सफर कर रहे थे, हम बिलासपुर से आ रहे थे और अमृतसर जा रहे थे, रास्ते में तबीयत खराब हो गया तो। गिरिडीह में दिन दहाड़े एक लूट की वारदात ने शहरी क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। यहां यूनियन बैंक के बाहर बाइकर्स गैंग ने झपट्टा मारकर एक व्यक्ति से 1.5 लाख रुपए की राशि लूट ली। बताया गया है कि परसन ग्राम निवासी लालो रविदास अपने परिवार के साथ यूनियन बैंक से पैसा निकालने आया था। घर में विवाह समारोह होने की वजह से इन्हें पैसे निकालकर कुछ खरीदारी करनी थी, लेकिन जैसे ही यह परिवार बैंक से 1.5 लाख रुपए निकालकर बाहर आया, बाइक सवार बदमाशों ने लूट की इस वारदात को अंजाम दे दिया। घटना के बाद नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। निकाले 1.5 लाख रुपया भी नहीं निकाले, यहाँ बैग में रखे और बैग पे उसको पकड़ने दिया, हम लोग के साथ करना था तो हमने सूचना मिली कि कोई हमारे यहाँ से बैंक से पैसा निकाल के बाहर गया, बैंक ऑफ इंडिया है, उसके अगल बगल कहीं से उधर से मोटरसाइकिल में सवार लोग आया और पैसे छोड़ दिए 1.5 लाख रुपये। गिरिडीह की जिला शिक्षा अधीक्षक निर्मला बरेलिया के साथ विवाद दूर होता नजर नहीं आ रहा है। निर्मला बरेलिया पर एक के बाद एक संगीन आरोप लग रहे हैं। इस बार जिले के शिक्षकों ने डीईओ के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से जांच की मांग की है। शिक्षक संघ का आरोप है कि डीईओ ने नाजायज तरीके से चल अचल संपत्ति अर्जित की है। डीईओ ने यह संपत्ति शिक्षकों का भया दोहन कर अर्जित की है। इस मामले को लेकर शिक्षक संघ ने डीईओ कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया है। शिक्षक संघ का आरोप है कि पदोन्नति के मामले को लेकर डीईओ द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है। अगर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच नहीं होती है तो मामले को लेकर प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। मैंने शिक्षकों को समय वेतन भुगतान नहीं होता, इसके लिए दिया गया धरना, उसके बाद कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार है, इसके विरुद्ध में दिया गया धरना, और इन्होंने अकूत संपत्ति गलत तरीके से जमा की है जिला शिक्षा पदाधिकारी ने, उसका भी जांच किया जाए, इसके लिए भी हम लोग अगर यह बात यहां से नहीं बनती है तो हम लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक भी इसकी चर्चा करेंगे। कोडरमा में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत दी जाने वाली राशि का बंदरबांट का मामला सामने आया है। नगर पार्षद झुमरी तलैया के अंतर्गत वार्ड नंबर 4 में लाभुकों से नगर परिषद द्वारा दी जा रही 2.5 लाख रुपए की राशि में कमीशनखोरी और ऊपर तक खर्चा देने के नाम पर लाभुकों से प्रत्येक किश्त में अतिरिक्त पैसे लिए जा रहे हैं। लोग अपने घरों को पूरी तरह से बना नहीं पा रहे हैं, लोग पैसे की कमी का रोना रो रहे हैं। घर बनाने मिला 45 पहले मिला, 5 लिए वो ले लें दीदी ले, तो बोले कि हम दो धूप किए हैं, हम तो अगुआ है तो हम इतना खाएंगे, उसके लिए एक बार लें दो, एक बार लेंगे अढ़ाई, 3 लें एक बार। योजना में अब तक जो है 181 लोगों को हमारे द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है और शेष जो बचा है उसमें हमारा भी वर्तमान में कार्य चल रहा है। अब ये चीज कोई भी लाभुक हमारे पास आके कंप्लेन नहीं किया, हमने 3 बार 4 बार उस लाभुकों को बुलवाया कि आप हमको बताइए कि किसको किसको, चूंकि हमने इसका प्रचार प्रसार करवाया, बजाबते हमने पेपर में दिया कि इसमें किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है, राशि डायरेक्ट जो है उसके खाते में हस्तांतरित की जाती है, इसमें किसी की भूमिका भुगतान में नहीं, डायरेक्ट हस्तांतरण होता है। इसकी मैंने
अनाउंसमेंट भी करवाया है और क्या के समाचार पत्र के माध्यम से भी प्रकाशित किया। रघुवर सरकार होश में आओ, किसानों पर भूमि अधिग्रहण के नाम पर लाठी गोली चलाना बंद करो, आम आवाम के आंदोलन पर तानाशाही रवैया अपनाना बंद करो। जैसे सरकार विरोधी नारों के साथ जेवीएम द्वारा 18 मई को राज्यव्यापी चक्काजाम किया गया। चक्काजाम में जेवीएम के अलावा सीपीआई सीपीएम के नेता व कार्यकर्ता भी शामिल हुए। सुबह से ही जेवीएम नेता व कार्यकर्ता सड़क पर नजर आए। झुमरी तलैया के महाराणा प्रताप चौक के समीप चक्काजाम समर्थकों ने इकट्ठा होकर सड़क पर घंटों जाम किया। चक्काजाम आंदोलन को लेकर जेवीएम के कोडरमा प्रभारी केंद्रीय सचिव खालिद खलील के नेतृत्व में चक्काजाम समर्थकों ने सड़क पर बैठकर आवागमन बंद कर रखा। वहीं चक्काजाम आंदोलन को लेकर सभा भी की गई। खालिद का कहना है कि विधानसभा में गरीबों की आवाज दबाने के लिए जेवीएम नेता को जेल भेजा गया है। चक्काजाम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए जेवीएम के केंद्रीय महासचिव खालिद खलील रघुवर सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार पूंजीपतियों के इशारों पर झारखंड के करोड़ों जनमानस के खिलाफ काम कर रही है। खालिद का कहना है कि विधानसभा में झारखंड के गरीब मजदूर किसान समेत दलित आदिवासी और अल्पसंख्यकों की आवाज दबाने के लिए भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा है। उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार को अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों व कॉरपोरेट घरानों के अलावा किसी की बात सुनना पसंद नहीं है। जेवीएम नेता ने कहा कि भूमि अधिग्रहण का मौजूदा प्रारूप झारखंडी लोगों के विरुद्ध है। वहीं उन्होंने कहा कि रघुवर दास अडानी अंबानी पूंजीपतियों व कॉरपोरेट घरानों के दास हैं। भाजपा सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह राज्य में शासन कर रही है, जनता के जनवादी अधिकारों पर लगातार हमला कर रही है। इन्हीं हमलों के खिलाफ जेवीएम विधायक दल के नेता प्रदीप यादव गरीबों और किसानों के हक में आवाज उठाते हैं तो भाजपा सरकार उन्हें झूठे मुकदमे में जेल भेज देती है। राज्यव्यापी चक्काजाम में आम आवाम ने अपना जन समर्थन देकर भाजपा सरकार को जता दिया है कि लोग अन्याय व रघुवर सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन कर ही दम लेगी। सरकार अब तक पूरे देश में अगर सबसे फ्लॉप मुख्यमंत्री, सबसे कमजोर मुख्यमंत्री कोई है इस राज्य में तो वो है रघुवर दास। और ये कैसे दास है, बोलते हैं कि हम जनता के दास हैं, हम नौजवानों के दास हैं, लेकिन ये कैसे दास हैं? ये अंबानी और अडानी के इशारे पर चलने वाले दास हैं, ये पूंजीपतियों के दास हैं, ये उद्योगपतियों के दास हैं। आप गोड्डा ले लीजिए, आप पलामू ले लीजिए, बड़का गांव ले लीजिए, जितनी भी जगह देखिए गोलियां चला रहे हैं ये लोग। ये रघुवर दास की सरकार ने अंग्रेजी हुकूमत को याद दिला दिया है और निश्चित रूप से आज की ये जाम ये संकेत और ये संदेश दे रहा है कि नौजवान जो 65% आबादी है, जो पलायन कर रहे हैं, ये सारे के सारे लोग बाबूलाल मरांडी की आवाज के साथ है, जेवीएम के साथ है, सीपीआई के साथ ही हमारे बैठे उनके साथ है, राजद के साथ है, जदयू के साथ है। ये बिल्कुल सफल है जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राजद, कांग्रेस, जदयू समर्थन दे रहा है और इसलिए समर्थन दे रहा है कि रघुवर सरकार ने मनमानी किया है, जयंती किया है। प्रदीप यादव लोकतांत्रिक तरीके से अनशन पर बैठे हुए थे, किसानों के हक में बैठे हुए थे। उनकी मांग थी कि जो अडानी ग्रुप के वहाँ पावर प्लांट लग रहा है उसमें किसानों को जबरन जमीन नहीं लिया जाए और रघुवर सरकार जबरन जमीन ले करके वो वहाँ प्लांट लगाना चाह रही है। सरकार पूंजीपतियों की है, पूंजीपतियों की हितैषी है, इसलिए ये प्रदीप यादव ने विरोध किया, शांतिपूर्वक विरोध किया। रघुवर सरकार ने जो लोकतांत्रिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उस पर उन्होंने हमला किया है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि अविलंब उनको बिना शर्त रिहा किया जाए। अगर बिना शर्त रिहा नहीं किया जाएगा, एसपीटी और सीएनटी एक्ट में जो अध्यादेश लाया है वो वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन ये और तीव्र होगा। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। छिंदवाड़ा मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर चौरई विकास खंड के 3000 की आबादी वाली ग्राम पंचायत बांका नागनपुर में युक्तियुक्तकरण के तहत हाई स्कूल खुले 16 वर्ष हो गए हैं, जहां 6 से 7 गांव के लगभग 250 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, जो माध्यमिक शाला की जर्जर हालत की बिल्डिंग में संचालित है। ग्रामीणों द्वारा अधिकारियों से बिल्डिंग एवं हाई स्कूल के उन्नयन की मांग रखी गई, किंतु स्कूल के लिए 16 साल में एक कक्ष भी प्राप्त नहीं हुआ, न ही स्कूल का उन्नयन हो पाया, जिससे यहां की छात्राएं 10वीं के बाद पढ़ाई बंद करने को मजबूर हैं। दूसरे हायर सेकेंडरी स्कूल यहां से 15 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे पर हैं,
जहां 2-3 बालिकाएं सड़क दुर्घटना का शिकार भी हो चुकी हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए ग्रामीणों ने गुहार लगाते हुए हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने एवं बिल्डिंग निर्माण की मांग की है। यहां ग्राम बाका नागनपुर में लगभग 16-17 वर्ष से हाई स्कूल संचालित है, यहां पर बिल्डिंग भी नहीं मिली है और हायर सेकेंडरी का उन्नयन भी नहीं हो पाया। इससे क्या होता है कि लगभग नेशनल हाईवे में 12 किलोमीटर दूर बच्चियां पढ़ने जाती है और दुर्घटना का शिकार हो जाती है, इसलिए हम लोगों को बच्चियों को पढ़ाना बंद करा दिया है और प्रशासन से मांग है कि यहां पर जल्द से जल्द हायर सेकेंडरी खुलवाए ताकि यहां की बच्चियां जो है पढ़ लिख के कुछ कर सके। दुर्भाग्य है कि 1999 से हमारे यहाँ हाई स्कूल तो चालू हो चुका है परंतु अभी तक हमारे यहाँ बिल्डिंग नहीं बन पाई, जो ना ही इसके नाम पे कोई अतिरिक्त कक्ष इन्होंने दिया है। और एक तरफ तो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज हमें बेटी बचाने के लिए उन्हें पढ़ाई से बंद करना पड़ रहा है। जब इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी अरुण इंगले से बात की गई तो उन्होंने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ा कि हमारे पास किसी भी माध्यम से आवेदन आते हैं तो हम लोक शिक्षण संचालनालय को भेज देते हैं। अब देखना यह होगा कि छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर विभाग ग्रामीणों की मांग पर मुहर लगाएंगे या फिर इसके लिए ग्रामीणों को लंबा इंतजार करवाएंगे। नहीं, इसमें जहाँ से भी हमें प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो ये प्रस्ताव हम उच्च कार्यालय को हम प्रेषित कर देते हैं। हमारे पास विभिन्न माध्यमों से आवेदन आते हैं, चाहे वो माननीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से हो, चाहे अन्य माध्यमों से हो, जिस भी प्रकार के आवेदन आते हैं उसका परीक्षण करके और हम उसको जो है लोक शिक्षण संचालनालय के लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए हम लोग भिजवा देते हैं। आरपीएफ डीजीपी सुरेंद्र कुमार भगत ने जबलपुर में अब अपनी कमान संभाल ली है। डीजीपी सुरेंद्र कुमार भगत के आगमन पर उनका भव्य स्वागत हुआ, बैंड की धुन पर उन्हें सलामी दी गई। आरपीएफ डीजीपी सुरेंद्र कुमार भगत ने अपना पदभार ग्रहण किया। पश्चिम मध्य रेल के हेडक्वार्टर्स में मैंने अपना आगमन किया है। यहाँ पर मैं पहले नहीं आ पाया था और मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं यहाँ आकर के यहाँ के कार्य को देखूँ, यहाँ के लोगों से मिलूँ, आप लोगों से रूबरू हूँ और यहाँ की विशेषताओं को देखूँ। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ आकर के कि मैं एक ऐसी जगह पा रहा हूँ, यदि मैं यहाँ ना आता तो शायद कुछ कमी रह जाती। वैसे तो डॉक्टर भगवान का रूप होता है। जबलपुर जिला चिकित्सालय विक्टोरिया के हड्डी वार्ड में भर्ती दो मरीज परशुराम और मजदूर विक्की के लिए यही डॉक्टर कहर बनकर टूटे। परशुराम और विक्की के पैर टूट जाने पर उन्हें जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में भर्ती किया गया था, परंतु अब ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं होने के कारण डॉक्टर द्वारा उन्हें भगाया जा रहा है। वहीं वृद्ध परशुराम भी घिसट घिसट कर चलने को मजबूर हो गया है। तो बोले अरे ठीक है मुलाजा करो, वहाँ रजिस्टर करा, वहीं पे देखने फीस होना कोई रजिस्टर है, वहाँ रजिस्टर करवाने के बाद फिर कागज लेकर के यहाँ है, फिर यहाँ अजमेर किए। जो 2-3-4 दिन से देखते रहे, उसके बाद में हम लोग बोला कुछ होगा, ट्रांसफर लगेगा, कुछ नहीं लगा। हमको कल लिख करके दे दी कि मेडिकल जाओ। किसने लिख के दे दिया कि बोला मेडिकल जाओ? डॉक्टर सिस्टर ने ला करके पढ़ते दिए, बोले मेडिकल जाओ। भले हो जाएंगे जहाँ बोलो आप, यहाँ का नहीं हम जाएंगे, लेकिन हमने बोला हम पैदल जाने तक के हमारे व्यवस्था को नहीं, पाप के पैसे दिए तो हम कल मेरा एक्सीडेंट हो गया सर, मारुति कार से गाड़ी वाला भाग गया सर, नंबर कुछ नहीं मालूम मेरे को, तो 4-5 घंटा होश नहीं रहा सर। वहाँ से फिर मेरे को एम्बुलेंस में यहाँ लाए, भर्ती करने के बाद सर मेरे को बोलने लगे लेट जा रहा, होश होश आया सर, तो दीनदयाल अंदर के ताब बोले तो मैंने सर मेरे पास कुछ नहीं है, तो उसके बाद बोलते ठीक है कुछ नहीं हो, आपका टेंशन मत लो, आप ठीक हो जाओगे। मेरे को लेटा दिए सर 4-5 दिन के बाद सर, मेरे को पलस्तर बांध दें, पलस्तर बांधने के बाद बोलते सर 2.5 महीने का पलस्तर है आपको, आप 2.5 महीने बाद आओगे आप ठीक हो जाओगे। सर मैं 2.5 महीना जैसे मैं सर रोड होकर भीख मांग के मैंने काटा, उसके बाद मेरा यहाँ आया था 2.5 महीने के बाद पलस्तर कटवाने, या मेरा हो गया 5 दिन जाने के बाद आया मैं सर, लेकिन जब पलस्तर कटा मेरा तो सर पैर मेरा ठीक नहीं हुआ, एक्सरे सब हो गया। उसके बाद सर बोलने लगे कि आप मेडिकल जाओ, तो मैंने कहा मेडिकल तो नहीं सर, वहाँ गया रहा, वहाँ से बोलते कि मेडिकल वाले कि आप यहाँ नहीं विक्टोरिया जाओ, तो सर विक्टोरिया वाले बोलने लगे सर यहाँ से कि जब आपका वहाँ इलाज नहीं हुआ तो यहाँ भी कोई इलाज नहीं होगा।
आपको पैसा लगेगा या फिर आप जिंदल का काम लेके आएंगे? तो कितना पैसा लगेगा बोले सर? 4-5 हज़ार रुपये मैं कहाँ से लाऊंगा सर, गरीब आदमी मजदूरी करता हूं। किसने बोला था कि 5 हज़ार रुपये लगेगा सर? ये मेडिकल से बोले, वहाँ से दूसरे सर भी बोलने लगे कि आपके पास जिंदल का काम नहीं है तो फिर पैसा लगेगा, पैसा नहीं है तो फिर किताब लाओ। ना राशन कार्ड है सर, ना जिंदल का काम, मैं कहाँ से बनाऊँगा।